नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज हम आंवला की वीडियो की सीरीज में हमारी अगली वीडियो है। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कौन सी है, बारह गुंबद, इसको बारह बुर्ज कहते हैं। और ये जो मस्जिद है बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप देखेंगे कि इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक दो गुंबद नहीं है बल्कि इसमें पूरी बारह गुंबद हैं। और ये आंवला की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक। और इसी के पास में लगभग 600 वर्ष पुरानी बेगम मस्जिद है, और यहीं पर एक मकबरा है, मोहम्मद अली का मकबरा, जो मैंने जिसकी वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आप इस मस्जिद का, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, इसका पूरा नज़ारा आप चारों तरफ से देख सकते हैं। पीछे ये बनाया गया है वजू के लिए, और सामने चारों साइड कुछ रूम है। और एक बार फिर से मैं आपको गुंबदों का थोड़ा सा व्यू दिखा दूं कि अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इसमें 12 गुंबद हैं। मैं आपको एक बार पिछली बैक कैमरे से और दिखा देता हूं। दोस्तों अगर हम इस मस्जिद के निर्माण की बात करें तो ये इसका निर्माण 1766 ईस्वी में नवाब, जो रोहिल्ला नवाब सरदार बख्शी खां के द्वारा करवाया गया था। और कहते हैं कि 1700 मस्जिदों में यह मस्जिद सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत थी। इस मस्जिद की विशेषता यह है कि इस मस्जिद पर 12 बुर्ज हैं, और 12 बुर्जों की वजह से यह आंवला की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद कही जाती है। हम इस मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये एक तालाब, जैसा कि हमने इससे पीछे आपको बेगम मस्जिद में भी दिखाया था, ये वजू करने के लिए बनाया गया है। और अब फिलहाल में इस पर ये एक टंकी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए सामने जो बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, गुंबद, ये 12 गुंबद हैं इस मस्जिद में। हमें ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी, वरना हम ऊपर जाकर इसके सारे बुर्ज आपको बड़े पास से दिखाते, लेकिन अभी मस्जिद बंद है, समय नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाए। दोस्तों 1773 तक यहाँ रोहिल्ला शासकों का शासन रहा, और उन्होंने यहाँ बहुत सारी इमारतें बनाई जो निस्ता नाबूद हो गईं। और आखिरी नवाब यहाँ के अहमद अली खां थे, जिनका मकबरा भी हम बहुत जल्द आपको अपने YouTube पर दिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसके अंदर जहां नमाज अदा होती है, दोस्तों यही आंवला का जो क्षेत्र है महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहते हैं कि महाभारत में पांचाल देश की राजधानी अहिच्छत्र इसी क्षेत्र में थी, और इसको पांचाल भी कहा जाता है। और महाभारत के भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और इमारतें आज बरेली और रामनगर के आसपास मौजूद हैं, जिसका हम समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। दोस्तों 600 साल के बाद भी आज भी इस इमारत की खूबसूरती देखने लायक है, और कहीं से भी ये जर्जर नहीं हुई है। ये सामने आंवला का दृश्य कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। वीडियो को लाइक